हाँ, तो हम लोग कह रहे थे कि अगर एक्टिव पावर के साथ रिएक्टिव पावर को भी फ्लो करने की जरूरत है, तब अकॉर्डिंगली कंडक्टर के साइज को भी हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? जबकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है, यूजफुल पावर क्या है हमारे लिए, सिर्फ एक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं है। उसका सिर्फ पर्पस हमारा क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड अ पाथ, जस्ट टू क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट एक्टिव पावर कैन फ्लो इजीली, ठीक है? तो इसलिए हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि जो रिएक्टिव पावर है वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा तो नहीं है या उससे कम नहीं है ना कहीं, ठीक है? इसलिए रिएक्टिव पावर के कंपनसेशन की जरूरत पड़ती है। एक्टिव पावर को कंपनसेट करेंगे दैट मींस जितना हम लोग भेज रहे हैं वो हमारा वहां पर रिसीविंग एंड पे नहीं पहुंचेगा, कंपनसेट कर देंगे तो कम ही पहुंचेगा। तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है नहीं ना, कंपनसेट किस चीज को करना है, एक्टिव पावर को नहीं, रिएक्टिव पावर को। अगर रिएक्टिव पावर हमारा ज्यादा है तो उसको कंपनसेट करके उसको अपने लेवल पे लाना होगा जो उसका रेंज है, अगर कम है तो उसको इंक्रीज करके सर्टेन लेवल तक ले जाना होगा। तो ये हम लोगों को कंपनसेट करने की जरूरत है, रिएक्टिव पावर, ठीक है? कंपनसेट जो है, नॉर्मली हम लोग जो कंपनसेशन की बात करते हैं तो ये दो तरह का होता है, ठीक है? एक होता है हमारा लोड कंपनसेशन और दूसरा लाइन कंपनसेशन। लोड कंपनसेशन किसको कहते हैं हम लोग, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, बिल्कुल। ठीक, तो देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि लोड कंपनसेशन क्या है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर का मैनेजमेंट, उसको मैनेज करना है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है? रिएक्टिव पावर को इस तरह से मैनेज करना है कि क्वालिटी ऑफ सप्लाई को हम लोग इम्प्रूव कर सके, स्पेशली द वोल्टेज एंड पावर फैक्टर लेवल, ठीक है? तो यही हम लोग कहलाता है लोड कंपनसेशन। बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर को कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं ताकि वोल्टेज और पावर फैक्टर जो है हमारा, इसके क्वालिटी को हम लोग इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? ये जो है इसका मेन तीन ऑब्जेक्टिव है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, ठीक है, लोड कंपनसेशन को तीन मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फर्स्ट, बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, जैसा कि डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था, ठीक है? सेकंड, पावर फैक्टर करेक्शन, एंड द थर्ड, लोड बैलेंसिंग। तो लोड कंपनसेशन के तीन मेन ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग करते हैं लोड कंपनसेशन, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, पावर फैक्टर करेक्शन एंड लोड बैलेंसिंग। बेटर वोल्टेज प्रोफाइल कहने का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स द वेरिएशन इन वोल्टेज दैट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम, एग्री? वोल्टेज का वेरिएशन हमारा होते रहता है सिस्टम में ड्यू टू सम इनबैलेंस इन द पावर जनरेशन एंड द कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टिव पावर, ठीक है? इफ द जनरेटेड रिएक्टिव पावर इज मोर देन द कंजम्पशन, जितना हमारा रिएक्टिव पावर का कंजम्पशन है उससे ज्यादा अगर जनरेट कर रहे हैं तब क्या होगा, वोल्टेज हमारा इंक्रीज कर जाएगा। रिएक्टिव पावर हमारा किस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर, और एक्टिव पावर पावर एंगल पर, ये तो पता ही है। तो अगर हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, पर अगर हमारा रिएक्टिव पावर जो जनरेट हो रहा है वो कंजम्पशन से ज्यादा है तो हमारा वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा, या रिएक्टिव पावर का जो जनरेशन हो रहा है वो हमारा कंजम्पशन से कम है तो वोल्टेज हमारा डिक्रीज कर जाएगा।
है, तो दोनों केसेस में जो वेरिएशन ये हो रहा है, आइदर द रिएक्टिव पावर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, इसके कारण वोल्टेज का जो वेरिएशन हो रहा है, सो दैट शुड बी विद इन द लिमिट, एंड दैट लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 5% ऑफ द रेटेड वैल्यू, ठीक है। अगर 5% के आसपास ये वेरिएशन है रेटेड वैल्यू का, तब हमारा जो भी ऑपरेशन है दैट इज इफिशियंट ऑपरेशन, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि रिएक्टिव पावर जो है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि ये वोल्टेज लेवल का जो वेरिएशन है ये हमारा 5% के रेंज तक ही लिमिट रहे, एक्सीड ज्यादा ना करें, ठीक है। इसलिए हम लोगों को ये रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब बात आती है कि इसको कंपनसेट कैसे करेंगे हम लोग रिएक्टिव पावर को। तो एक मेथड इसके लिए बताया गया है कि वोल्टेज प्रोफाइल को जो हम लोग इम्प्रूव करें, ठीक है, इस वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ठीक है ना। इंटरकनेक्टेड सिस्टम का अगर हम लोग यूज करें तो वोल्टेज प्रोफाइल इंप्रूव कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम का क्या मतलब हो गया, इंटरकनेक्टेड सिस्टम का मतलब है डिफरेंट जनरेटिंग यूनिट्स है, ठीक है, डिफरेंट लोड है हमारे, डिफरेंट मशीन्स है, इन सबको इंटरकनेक्ट कर दे एक दूसरे से, ठीक है। याद होगा फर्स्ट क्लास में ही बताए होंगे जब सब स्टेशन का डायग्राम SLD के बारे में बता रहे थे, इंटरकनेक्शन क्या चीज है, ठीक है, इसका क्या बेनिफिट है। तो जब डिफरेंट जनरेटिंग प्लांट्स और सभी लोड्स को हम लोग इंटरकनेक्ट कर दे तो ये हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा नेटवर्क जो है ये काफी लंबा नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इस नेटवर्क का साइज जो काफी बड़ा हो जाएगा, इसके कारण क्या होगा, हमारा इफेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ द नेटवर्क दैट विल बी नेग्लिजिबली स्मॉल, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट द वोल्टेज प्रोफाइल इट कुड बी इम्प्रूव। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि इतना बड़ा हमारा नेटवर्क हो जाएगा कि उसमें कहीं भी फॉल्ट होगा तो पूरा का पूरा हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाई पावर रेटिंग्स के, हाई कैपेसिटीज के काफी सोफिस्टिकेटेड हम लोगों को प्रोटेक्शन स्कीम्स इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, प्राइमरी प्रोटेक्शन या बैकअप प्रोटेक्शन, इस तरह से हम लोगों को एक पूरा डिजाइन करना पड़ेगा एक प्रोटेक्शन सिस्टम इस पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम के लिए। तो ये एक तरीका है हमारा वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूव करने का, लेकिन साथ ही साथ अकॉर्डिंगली हम लोगों को एक प्रोटेक्शन सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा, ताकि पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम में कहीं भी फॉल्ट हो तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, पावर फैक्टर करेक्शन, तीन था ना ये हमारा, तीन मेजर ऑब्जेक्टिव लोड कंपनसेशन का। तो ये फर्स्ट था बेटर वोल्टेज प्रोफाइल, और दूसरा है पावर फैक्टर करेक्शन। पावर फैक्टर करेक्शन कहने का क्या मतलब हुआ, जैसा कि अभी इससे पहले बता रहे थे, पावर फैक्टर हमारा जो हो वो इम्प्रूव होना चाहिए हमेशा, ठीक है। पावर फैक्टर अगर एक के आसपास है, यूनिटी पावर फैक्टर के आसपास है अगर हमारा पूरा ऑपरेशन है, ठीक है, तो वो हमारा सबसे बेटर, सबसे इफिशियंट ऑपरेशन है, ठीक है। तो कोशिश हम लोगों को करना है कि पावर फैक्टर हमारा नियर बाई यूनिटी रहे। इसीलिए कई बार क्या होता है कि पावर फैक्टर अगर काफी कम होता है, एक सर्टेन लिमिट सपोज 0.85 या समथिंग, उससे नीचे अगर पावर फैक्टर होगा तब क्या होगा कि जो पावर सप्लाई करने वाली कंपनीज है, ठीक है, वो पेनाल्टी भी कई इंडस्ट्री सबको इम्पोज करते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन पावर फैक्टर
उसके बाद क्या होगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो रिएक्टिव पावर ज्यादा हमारा एब्जॉर्ब करेगा, ज्यादा ड्रॉ करेगा, रिएक्टिव पावर करेगा ना, ये याद है ना, अभी ट्राइंगल, ये पावर ट्राइंगल, पावर फैक्टर अगर हमारा डिक्रीज करेगा, सपोज 0.8 से कम हो गया पावर फैक्टर, 0.7 हो गया, तब ये क्या होगा, ये सिचुएशन आ जाएगा। अगर इसको KVAR2 को हम लोग 0.8 कहे, तो ये 0.7 क्या हो गया, KVAR1, तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव पावर हमारा इंक्रीज कर गया इस केस में, ठीक है, रिएक्टिव पावर हमारा इंक्रीज कर गया, ज्यादा रिएक्टिव पावर हो गया, तो अब इसको कंपनसेट करने की जरूरत है। कंपनसेट इसको कैसे कर रहे हैं हम लोग, बाय एडिंग अ कैपेसिटर, कैपेसिटर को ऐड किया तो ये कंपनसेट करके हम लोग इसको KVAR1 को ले आया KVAR2 तक, ठीक है, तब ये 0.7 से 0.8 पर आ गया, तो इम्प्रूव करेगा हमारा पावर फैक्टर। समझ में आ रही बात, तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट होना चाहिए, पावर फैक्टर एक सर्टेन लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। और तीसरा है हमारा लोड बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग एक थर्ड ऑब्जेक्टिव है हमारे लोड कंपनसेशन का, कि लोड हमारा बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, ड्यू टू अनबैलेंस लोड क्या होगा, अगर हमारा थ्री फेज सिस्टम है और अनबैलेंस लोड होगा तब क्या होगा, नेगेटिव सीक्वेंस करंट हमारा सिस्टम में फ्लो करेगा, ठीक है, और नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव सीक्वेंस करंट क्या होगा, हमारा जो भी मशीन्स है, ठीक है, जो भी ऑपरेट कर रहा है वो हमारा डैमेज हो सकता है, तो इसलिए लोड हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लोड कंपनसेटर का यूज करते हैं बेसिकली, इन ऑर्डर टू बैलेंस द लोड। और लोड कंपनसेटर इस तरह का होना चाहिए कि इट वुड प्रोवाइड कंट्रोलेबल एंड वेरिएबल रिएक्टिव पावर। लोड कंपनसेटर जो इस हम लोग यूज करेंगे वो कंट्रोलेबल एंड वेरिएबल रिएक्टिव पावर प्रोवाइड करें हम लोग, ठीक है, और ये तीनों फेज के लिए सेपरेटली इंडिपेंडेंटली वर्क करें, ठीक है, और एक कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन करें एट द टर्मिनल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को लोड कंपनसेटर का यूज करके भी लोड को बैलेंस करने की जरूरत है। तो आज के क्लास तक फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे लाइन कंपनसेशन क्या होता है, ठीक है, लाइन कंपनसेशन क्या होता है, और फिर टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में एक दूसरा भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि सीरीज कंपनसेशन, संट कंपनसेशन, ठीक है, क्या क्या हम लोग स्टैटिक इक्विपमेंट्स क्या क्या हम लोग यूज करते हैं इस कंपनसेशन टेक्निक्स के लिए, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन सिर्फ बताएंगे। एक्चुअली क्या है कि कंपनसेशन एक काफी बड़ा चैप्टर है, एक पूरा टॉपिक ही है ये, काफी बड़ा, तो पावर सिस्टम अगर पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ एक पूरा का पूरा एक मॉड्यूल ही है, एक यूनिट ही है पूरा कंपनसेशन। यहाँ पर सिर्फ इस सिलेबस में दिया हुआ टाइप ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, तो इसलिए पूरे डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कंपनसेशन का, तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की टाइप्स, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन होते हैं इसके बारे में, अदरवाइज ये पूरा अगर करने बैठेंगे तो अकेले ये 6-7 क्लास हमारा खत्म हो जाएगा सिर्फ कंपनसेशन को पूरा डिटेल में डील करने में, ठीक है। तो लाइन कंपनसेशन क्या होता है, सीरीज संट कंपनसेशन क्या होता है, कौन कौन से हम लोग इक्विपमेंट को यूज करते हैं इस कंपनसेशन टेक्निक्स के लिए, तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत नेक्स्ट क्लास में इसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग फिलहाल यही खत्म करते हैं।